अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुश आमदी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बायकॉट प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि इसराइल की बनाई हुई हैं, और उन चीज़ों को हमें जल्द अज जल्द छोड़ना होगा क्योंकि वो चीज़ें वो लोग बना रहे हैं जो हमारे मासूमों पर जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे मासूमों की जान ले रहे हैं, जो हमारे मासूमों की फैमिलीज को दिन ब दिन तबाह कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हमारे जो बांक पे रहने वाले लोग हैं उनका मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए। जहाँ वो हमारे मासूमों की जान ले रहे हैं, क्या हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ सकते? बजाय उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के हम लोकल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हम यूज़ करके इन चीज़ों का बायकॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके अल्टरनेट हम दूसरे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बात की जाए अमेरिकन गार्डन मसाले के बारे में, तो बहुत से लोग जब खाना बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, बिरयानी, कोरमा, पुलाव या जो भी चीज़ बनाते हैं, उसमें अमेरिकन गार्डन का जो मसाला है उसको डालना मुनासिब समझते हैं। अगर इसकी जगह हम हबीब का, शान का, मेहरान का, जायका और नेशनल का मसाला यूज़ करें तो वो बेहतर होगा। बात की जाए नूडल्स के बारे में, हमारे अक्सर अवकात में नौजवान असल है और खासतौर पर जो भी टीनेज हमारे पास लोग रहते हैं वो सारे रात को उनको नाइट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है और वो प्रेफर करते हैं कि क्यों ना किनोर खाई जाए, क्यों ना मैगी खाई जाए। तो उनको मैं कहूँगा अगर आप किनोर और मैगी की जगह आप लजीज़ा और शूप का इस्तेमाल करें तो वह बेहतर होगा, क्योंकि किनोर और मैगी जो प्रोडक्ट है ये इसराइल की बनाई हुई प्रोडक्ट है। ये बात की मैंने कुछ छोटी मोटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं बिरयानी के साथ, कौरमे के साथ, और बाहर के रेस्टोरेंट में जाएं तो उसको खाना हम कहते हैं कि खाना इसके बगैर जो हज़म नहीं होगा, इसके बगैर खाने का जायका नहीं है, इसके बगैर खाने का मज़ा नहीं है। अगर बात की जाए नुकसान के बारे में, उन जो ड्रिंक्स हैं उनका नुकसान भी होता है, मगर यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की बनाई हुई प्रोडक्ट के बारे में। तो हमें इस प्रोडक्ट का बायकॉट करने के लिए मैं आपके लिए इसके अल्टरनेटिव ड्रिंक्स आया हूँ, आप उसके बारे में बात करते हैं। तो बात की जाए सेवन अप के बारे में, तो सेवन अप की जगह हम पकौला का इस्तेमाल कर सकते हैं। पकौला शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, लोग पीते भी थे, मगर सेवन अप ने अपनी प्रमोशन इतनी की, अपनी एडवर्टाइजमेंट इतनी की कि अपना काम ही अर्स में बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया। तो हमें सेवन अप की जगह पकौला का इस्तेमाल करना चाहिए। कोका कोला और पेप्सी की जगह हमें नेक्स्ट कोला का इस्तेमाल किया जाए। अगर बात की जाए नेक्स्ट कोला के बारे में, तो पाकिस्तान लाहौर में जो है गुलबर्ग एरिया में नेक्स्ट कोला की एक फैक्ट्री भी थी जिसका बहुत ज़्यादा शुमार हो रहा था, लोग जानते भी है कि आज पेप्सी यहाँ पर मौजूद है, मगर जैसे ही कोका कोला और पेप्सी ने अपना नाम कमाया उसके बाद नेक्स्ट कोला का बिल्कुल ही जो रेट वो गिर गया और लोगों ने नेक्स्ट कोला लेना छोड़ दी। अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कोला में बहुत ज़्यादा हाई केमिकल्स नहीं डाले जाते, वो फिर भी इतना अफेक्ट नहीं करते हमारी बॉडी पर जितना कि कोका कोला और पेप्सी अफेक्ट करती। तो बजाय पेप्सी और कोका कोला के अगर हम नेक्स्ट कोला का इस्तेमाल करें तो वह बेहतर होगा। बात की जाए मिरिंडा के बारे में, तो मिरिंडा की जगह अगर हम सूफी कोला इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगी। अक्सर उकात लोग जो है स्प्राइट का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा खाना हजम हो जाए, या हजम के तौर पर स्प्राइट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसकी तौर पे हम कर्शी इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। माउंटेन ड्यू, स्टिंग और शेजान की बोटल्स इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम गोरमे की बोटल्स इस्तेमाल करें वो बेहतर होगी, क्योंकि गोरमे की बोटल्स जो है वो कंपनी खुद ही तैयार करती है, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तैयार की जाती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उनकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो बहुत ही बेहतर होती हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का गवर्नमेंट जो है उसका भी काफ़ी नाम है, काफ़ी जगह पर उसकी ब्रांचेज हैं और लोग जो है उसको लेना ही पसंद करते हैं और बहुत से लोग उसको प्रेफर भी करते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है। मगर देखा जाए हमारे आसपास टीन एज के जो लोग हैं, ये यंग जनरेशन हमारी, वो स्टिंग को पीना, माउंटेन ड्यू को पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आगे बात करते हैं नेस्ले की और नेस्फ्रूटा के बारे में। नेस्ले नेस्फ्रूटा जूसेज ऐसे हैं कि जब हमारे घर पर गेस्ट आते हैं तो हम उनको आगे पेश करते हैं और कहते हैं कि ये जो जूसेज है ये फ्रेश जूसेज के तौर पर हैं, मगर मैं आपको कहूँगा कि नेस्ले नेस्फ्रूटा की जगह अगर हम फ्रेश जूस या हलीब के जूसेस का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। पहले पहले लोग हलीब के जो है वो दूध भी इस्तेमाल करते थे, हलीब की जो घी भी इस्तेमाल करते थे, देसी घी भी उसका था वो भी इस्तेमाल करते थे, मगर अब लोगों ने हलीब को छोड़ दिया है क्योंकि लोग जो है वो उनका रुझान इसराइल की प्रोडक्ट की तरफ हो गया है। तो मैं आपको अल्टरनेटिव प्रोडक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता कि इसराइल की बनाई हुई प्रोडक्ट कौन कौन सी है तो उनको इस वीडियो में पता चलेगा कि इसकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कौन सी है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोडक्ट की जगह एक लोकल ब्रांड की, यानी लोकल ब्रांड पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का भी एक नाम है, अगर वो प्रोडक्ट यूज़ की जाए तो बेहतर होगा। आगे बात करते हैं
एनर्जेटिक की, ग्लूकोज की, माइलो की, बोर्नवीटा की, कॉम्प्लान की और साथ ही साथ हॉर्लिक्स के बारे में। इन चीज़ों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है पानी की कमी दूर करने के लिए, अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनकी कमी को पूरा करने के लिए। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, डेली बेसिस पर बनाना शेक पिएँ, एप्पल शेक पिएँ, साथ ही साथ हम मैंगो शेक पिएँ, तो ये अगर चीज़ें पिएंगे तो इससे भी हमारी हाइट भी अच्छी होगी, हमारा कलर भी अच्छा होगा, हमारा जिगर भी सही रहेगा, हमारा स्टमक भी ठीक रहेगा, इवन डेट के हमारे जितने भी अंदरूनी अज़ा हैं वो अपने हालत में ठीक रहेंगे, बजाय अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं कि काफ़ी अर्से तक ये चीज़ें चल सकें और ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी पे बहुत बुरे असरात भी छोड़ती है। मैं आपको गुजारिश करूँगा एनर्जेटिक, ग्लूकोज, माइलो, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स की जगह फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। आगे हम बात करते हैं बिस्किट्स के बारे में। बिस्किट बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और अक्सर कहा जब हमारे छोटे बच्चे जो हमारे घर में स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, तो मदर्स जो है बड़े शौक से कहते हैं ये बिस्किट साथ ले जाएं और जाके स्कूल में ब्रेक टाइम खा लेना। मगर उनको मैं बताऊं कि जो बिस्किट्स आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं वो भी इसराइल की ही बनाई हुई प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे बिस्किट्स हैं जो कि इसराइल की बनाई हुई प्रोडक्ट है और कौन कौन से ऐसे बिस्किट्स हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करके इसराइल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बिस्किट हमारे पास आता है जिसने कम अरसे में ज़्यादा नाम कमाया उसका नाम है ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट अक्सर उसकी शेप भी ऐसी है कि देख के पता चलता है यार काला से यार बिस्किट साड़ी प्रोडक्ट नहीं आएगी, तो काला प्रोडक्ट जो है वो ओरियो बिस्किट जो है उसकी जगह अगर हम विस्पी का बिस्किट इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। रिट्स की जगह हम बेक्स का बिस्किट इस्तेमाल करें बेहतर होगा। क्राफ्ट की जगह अगर हम कप केक यूज़ करें, कप केक जो छोटे छोटे आते हैं 20-30 रुपये का आता है वो यूज़ करें वो बेहतर होगा। नटर बटर और साथ बेकर के अलावा हम बिस्कोनी का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। प्रिंस बिस्किट, टक बिस्किट और साथ ही साथ कैंडी बिस्किट की जगह अगर हम कोकोमो, यू एंड मी, नोविटा और टी टाइम बिस्किट का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। आज मैंने आपको कुछ छोटी सी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जो कि इसराइल का बायकॉट कर सकती हैं और उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी बताई। ये थे हमारे वीडियो का पार्ट वन। पार्ट टू देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने राय से आगाह कीजिए कि इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम छोड़कर इसराइल का बायकॉट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।